नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि आदमी और औरत के लिए एक सही फैट परसेंटेज की रेंज क्या है जिसमें वो हेल्दी माना जाए, फिट माना जाए। आदमियों के लिए मान सकते हो लगभग 14-17% बॉडी फैट परसेंटेज होए और औरतों के लिए मान सकते हो लगभग 21-24% की बॉडी फैट परसेंटेज होए। बॉडी फैट परसेंटेज नहीं पता तो मेरे पुराने वीडियोज़ में सर्च कर लो बॉडी फैट परसेंटेज क्या होती है। 14-17% आदमियों के लिए, 21-24% औरतों के लिए। इस वीडियो में मैं जो भी आदमियों के लिए बताऊं, अगर मैं उसमें अलग से औरत के लिए बताऊं तो जो आदमी के लिए मैं फैट परसेंटेज की बात कर रहा हूं उसमें औरत अपने लिए 7-8% जोड़ ले। मैंने पहले बताया था कि आदमियों के लिए जितनी फैट परसेंटेज है उसके बराबर की औरत के लिए फैट परसेंटेज 7-8% जोड़ने से आ जाती है। तो मैं अलग से नहीं बताऊं तो तुम जोड़ लेना, मैं अभी आदमियों के लिए बात करूंगा अलग से। तो अगर 14-17% में 1-2% कम भी हो जाती है, 12-13% तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे कम अगर जाते हो तो फिर वो एथलीट जिस रेंज में रहते हैं उसमें जाने लग जाओगे और उसके बारे में भी बात करते हैं। और 14-17% 21-24% ये जो आदमी औरत के लिए मैंने बताई है, आप बोलोगे कि क्या 15% अगर मेरे शरीर में 15% बॉडी फैट है, उसके शरीर में 15% है, 10 जनों के शरीर में 15% है, तो क्या सबके लिए 15% एकदम जितना अच्छा होना चाहते हैं अच्छा है? देखो, कोई एक फैट परसेंटेज आपके लिए भी उतनी ही अच्छी है और मेरे लिए भी उतनी अच्छी है, हर किसी के लिए उतनी ही अच्छी है, ऐसा कहना मुश्किल है। हो सकता है आपके लिए 14% जितनी अच्छी है उतनी मेरे लिए 16% हो सकता है, वही किसी के लिए 13% हो उतनी अच्छी, पर हम एक अंदाजा लगाते हैं, एक रेंज का अंदाजा लगाते हैं, ठीक है। अगर आप, मैंने आपको बताया कि 14% से थोड़ा नीचे जाओ, 1-2% कम जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज़्यादा नीचे जाने लग जाओगे तो एथलीट वाली रेंज में लग जाओगे। लेकिन एथलीट वाली रेंज में क्या है कि ये हमेशा आप मेंटेन कर पाओ, जैसे आप 8-10% बॉडी फैट पे आ गए या 6-7 बॉडी फैट परसेंट पे आ गए, आप ये हमेशा मेंटेन कर पाओ ऐसा बहुत मुश्किल रहता है। आमतौर पर खाने का पूरा ध्यान रखो, कसरत का पूरा ध्यान रखो, एकदम चीट नहीं करो, ऐसा पूरे साल कर पाना बहुत मुश्किल होता है, ऐसा हर कोई नहीं कर पाता। और ये चैनल एक आम आदमी की फिटनेस के हिसाब से, बॉडी बिल्डिंग वाले भी इसे देखो अच्छी बात है, पर फिर भी हम ये देखेंगे ना कि आम आदमी क्या कर सकता है, हम वो नहीं देखेंगे स्टेज पे 10 लोग कॉम्पिटिशन लड़ रहे हैं 10,000 लोगों में से, तो हम सिर्फ उन 10 लोगों पर ध्यान दें, हम 10,000 लोगों पर ध्यान देंगे ना, बचे हुए 9,990 लोगों के ध्यान दें और साथ में वो बचे हुए 10 लोग भी ये चैनल देख सकते हैं। तो पहली बात तो कि ये जो कम बॉडी फैट परसेंटेज होती है ना, 10% इनसे नीचे वाली है आराम से मेंटेन करनी मुश्किल होती है। जैसे आप नॉर्मल खाना खाने लग जाओगे ना, जैसे आपने एक बार के लिए एब्स निकाल ली, आप 9% बॉडी फैट पे आ गए, आपकी एब्स दिखने लगी, पर फिर आप कसरत करते रहोगे, नॉर्मल खाना खाते रहोगे, उसमें कभी आपके थोड़ा सा कभी जंक फूड भी आएगा। एक आम आदमी हो, जीते हो तो कई बार बाहर भी खाता है, घर में खाता है, कई बार जंक फूड आता है, कभी मीठा आता है, कभी मैदा भी आ जाता है, कभी बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन भी आ जाता है, बहुत ज़्यादा घी तेल भी खाने में आ जाता है, ऐसा हो जाता है। तो वो फिर 8-9% मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है आम आदमी के लिए, और करने की ज़रूरत भी नहीं इतना नीचे, क्योंकि हम ज़रूरी नहीं कि आपके एब्स दिखे ही दिखे, अगर आपके एब्स ढकी हुई भी है, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा फैट नहीं है, जैसे आप 14-16% फैट है, आपकी एब्स ढकी हुई भी है तो भी आप फिट हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं कि एब्स दिखे तो ही आप फिट हो, हमारे पूर्वज जी के गए हैं 100-100 साल बिना उनकी एब्स दिखते हुए, तो इससे हम ये प्रूफ मान सकते हैं उन्हें देख करके कि जिया जा सकता है फिट रह करके 100-100 साल से ज़्यादा बिना दिखती है एब्स के। तो सिर्फ मैंने वो बताया कि एब्स मेंटेन करने के लिए 8-10% अगर आप जा रहे हो तो पूरे साल मेंटेन करना मुश्किल है। और ऐसा मैं आपसे कहूँगा कि हो सकता है शायद ऐसा हमारा शरीर करना भी ना चाहता हो कि वो 8% पे ही रहे या 9% पे ही रहे, हो सकता है हमारा शरीर ऐसा चाहता भी नहीं हो, क्योंकि काफ़ी बार आप ऐसा देखोगे कि कोई इंसान है वो 8% बॉडी फैट पे आ गया, अब वो कसरत वो अभी भी कर रहा है, वो खाना भी मतलब कुछ भी जंक फूड नहीं खा रहा, खाना भी नॉर्मल खा रहा है, बस कैलोरीज गिन नहीं रहा, क्लीन खाना खा रहा है, मतलब कोई जंक फूड वगैरह नहीं खा रहा, हेल्दी खाना खा रहा है, पर धीरे धीरे क्या उसका शरीर है ना
बॉडी फैट परसेंटेज उसकी थोड़ी बढ़ाने लग जाता है, ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है। तो इससे देख करके कोई ये भी सोच सकता है कि हो सकता है हमारा शरीर 10% बॉडी फैट से ज़्यादा की तरफ रहना पसंद करता हो, क्योंकि ऐसा भी तो है ना कि शरीर में जो चर्बी है वो उसका मेन मकसद क्या है कि कभी खराब टाइम आ जाए, हमारे पास खाना पीना ना हो, तो उस चर्बी से हम ऊर्जा निकाल सके। तो हमारा शरीर ऐसा भी नहीं चाहता कि हमारे शरीर में चर्बी कम हो जाए, वो थोड़ी चर्बी रखना भी चाहता है। ऐसा भी नहीं चाहता हो कि हम 35% बॉडी फैट पर चले जाए, इतनी चर्बी नहीं चाहिए उसे, पर फिर भी वो कुछ चर्बी रखना चाहता है कि कभी खराब टाइम आए, हार्ड टाइम आए, कोई हमारे पास में खाने पीने की कमी हो, तो उस चर्बी से वो ऊर्जा निकाल सके। तो शायद हमारा शरीर 10% से ज्यादा बॉडी फैट की तरफ रहना चाहता हो। तो आप कह सकते हो एक नजरिए से कि हेल्दी वो जगह है जहां पे आपका शरीर रहना चाह रहा है। अब आप कहोगे कि मैं तो 5 साल से मोटा हूं, मैं तो 35% बॉडी फैट पे हूं, 5 साल से मेरा शरीर यही है, तो यही हेल्दी है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आपने एक बार वजन कम कर लिया, आप आगे कम बॉडी फैट परसेंट 10-12-13-14-15 बॉडी फैट परसेंटेज पे आ गए, अब आप नॉर्मल मतलब जंक फूड नहीं खा रहे, नॉर्मल खाना खा रहे हो जो हेल्दी खाना है, और कसरत करते जा रहे हो, वो आपका शरीर जिस जगह पे रहता है, चाहे वो 12% हो, 13%, 14%, 15%, 17%, जहाँ पे आपका शरीर रहना पसंद कर रहा है, वो एक तरीके से हम आपके लिए हेल्दी मान सकते हैं, क्योंकि आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे, आप कसरत भी कर रहे हो, आप हेल्दी खाना भी खा रहे हो, आपका शरीर जहाँ पे रहना पसंद कर रहा है तो वहाँ पे आप मान सकते हो कि आपका शरीर के लिए वो नेचुरली हेल्दी है। ऐसा नहीं होगा कि आप 15% पे हो, आप नॉर्मल खाए जा रहे हो, और आपका शरीर आपको 35-40-45% पे ले जाया जा रहा है, 30% पे ले जाया जा रहा है, जब तक कि आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई अजीब सी बीमारी हो जिससे ऐसा हो रहा हो तो बात अलग है, वरना एक नॉर्मल इंसान के साथ ऐसा नहीं होगा, वो ले जाया जा रहा है। शरीर खुद एक ठीक ठाक चर्बी पे रहना चाहता है, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, तो आपको एकदम से ज़्यादा चर्बी की तरफ नहीं ले जाने लगेगा, या जब तक कि आपने अपना मेटाबॉलिज्म खराब नहीं कर लिया, जिसके बारे में मैंने बात कर रखी है। पर आमतौर पर आपने वजन कम कर लिया, आपके मसल लॉस नहीं हुआ, आपके मसल वगैरह सब ठीक है, तो आपका शरीर आपको उस जगह पे रख लेगा जहाँ पे वो चाहता है, 13-14-15-16-17 बॉडी फैट परसेंटेज के आसपास। हो सकता है किसी के लिए 11-12 पे ही रख लिया, हो सकता है किसी के लिए 16-17 पे रख लिया। तो 10% के आसपास मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 10% बॉडी फैट के आसपास एब्स दिखने लगती है लोगों की। इससे थोड़ा सा ऊपर बॉडी फैट परसेंटेज पे जाओगे, क्या एब्स पूरे साल मेंटेन करना मुश्किल है, मैंने भी बताया, तो इससे थोड़ा सा ऊपर बॉडी फैट परसेंटेज की तरफ जाओगे तो हो सकता है तुम्हारी धुंधली एब्स रहे, क्योंकि थोड़ी सी चर्बी बढ़ेगी, तो तुम्हारी धुंधली एब्स रहे उस पर तुम हो सकता है पूरे साल मेंटेन कर लो, हो सकता है तुम्हारी एब्स ढक जाए, लेकिन उस पर तुम पूरे साल मेंटेन कर सकते हो, पूरे साल उस पर तुम रह सकते हो, कोई बात नहीं, ढकी गई एब्स तो क्या हो गया, हम कम से कम खुश था, क्योंकि पूरे टाइम आपको डाइट का ध्यान रखना पड़ता है ना, जब एब्स मेंटेन करने के लिए डाइट वगैरह का ध्यान रखना, ये भी दिमाग पे एक बहुत बड़ा भार होता है, काफ़ी बार लोग इसके कारण कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ऐसा अपनी ज़िंदगी में कमी महसूस करने लग जाता है, उन्हें लगता है कि अरे यार कोई चीज़ की कमी है, क्योंकि उन्हें एक चीज़ का इतना ध्यान रखना पड़ता है ना कि मेरे को कुछ और नहीं खाना, वो खा रहा है पर मेरे को वो नहीं खाना, मेरे को यही खाना है, तो इस चीज़ का भार बनने लग जाता है सर पे। तो कहने वाले कि ज़रूरी नहीं एब्स के पीछे दौड़ो यार, पर इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारी कोशिश ये रहे कि तुम्हारा जो पेट है वो फ्लैट हो, समतल हो, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हारी तोंद आ रही है, ये तो सबसे पहली चीज़ हमें ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए, हमें इतना वजन कम करना चाहिए कि पेट फ्लैट हो जाए। जो बहुत ज़्यादा कम बॉडी फैट परसेंटेज है 2-5%, ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इतनी तो कम नहीं होनी चाहिए, और मेरे हिसाब से जो 6-10% बॉडी फैट है ये भी पूरे साल मेंटेन करना मुश्किल है, हो सकता है हमारी शरीर इससे थोड़ा ज़्यादा मेंटेन करना चाह रहा हो। जो थोड़ी ज़्यादा फैट परसेंटेज है, मान लो 15-16-17 फैट परसेंटेज है, इसमें क्या आपके शरीर में थोड़ा चर्बी भी थोड़ी ज़्यादा होगी, 11-12 के से अगर आप नापोगे तो 11-12% फैट है किसी के, और किसी के 16-17% है, तो 16-17% में ज़्यादा चर्बी, तो उसमें क्या आपके शरीर में थोड़ा भार भी ज़्यादा होगा, तो थोड़ा सा भार ज़्यादा होता है तो आदमी को थोड़ा सा यूँ मतलब दिमाग से वो थोड़ा सा यूँ मजबूत भी महसूस करता है, थोड़ा अच्छा मतलब अच्छा भी महसूस करता है, अगर आप ऐसा करके देखो तो आपको महसूस होगा कि मैं ज़्यादा स्ट्रांग महसूस कर रहा हूँ, ज़्यादा भारी महसूस कर रहा हूँ, ऐसा भारी नहीं कि जैसे मोटा आदमी उठने में हिलने में दिक्कत हो रही है, वैसा भारी नहीं, तो ये आपको दिमाग से भी थोड़ा यूँ अच्छा महसूस करवाएगा। जो बहुत पतले लोग हैं, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जो बहुत पतले लोग हैं जिनके शरीर में मसल बहुत कम है, उन्हें बहुत कम फैट परसेंटेज पे 10-8% पे जाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उन्हें पहले अपने शरीर में मसल बढ़ानी चाहिए, मसल बढ़ा करके फिर जब उनके शरीर में अच्छी खासी मसल हो जाए तब वो
10-9-8% बॉडी फैट के आसपास जाने की कोशिश कर सकते हैं। जब वो मसल बढ़ा रहे हो तब उन्हें ये जो हेल्दी फैट परसेंटेज की रेंज बताई मैंने उसी के बीच में रहना चाहिए। जैसे 14-15% बॉडी फैट, आप मोटे थे मान लो, पतले थे और मोटे थे, मसल ली थी, फैट बहुत था, वजन कम किया, 14-15% बॉडी फैट के आगे पास में आए, फिर मसल गेन करने की कोशिश करी, कैलोरी सरप्लस में खाया, ज़्यादा खाना खाया, वजन बढ़ाया, फिर कुछ मसल बढ़ी, कुछ फैट भी बढ़ा, फिर फैट परसेंटेज बढ़ेगी तो थोड़ा और वजन कम करके वापस कम पे आओ, वापस 14-15% पे आओ, मसल रखो, फैट हटाओ, फिर वापस थोड़ा वजन बढ़ाओ, फिर ऐसा करो तो धीरे धीरे मसल बढ़ेगी, उसके बाद में 14-13% बॉडी फैट से कम जा करके 10-9% तक जा सकते हैं। जब आपके शरीर में मसल, अगर आपके शरीर में मसल कम है और आप बहुत कम बॉडी फैट परसेंटेज जा रहे हो तो आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है। अब इतना सब जान करके ये बात समझ लोगे तुम, है ना, ये जो इंटरनेट से फोटो देखते हो बॉडी बिल्डर की, इनसे तुम्हारे दिमाग में जो असर हो रहा है कि ओहो यही दिखने में अच्छा है, ऐसा ही दिखना है, इस असर को इतना भी मत होने दो, इतना इन्फ्लुएंस मत हो इन सब चीज़ों से। इस चीज़ का ध्यान दो कि तुम पूरे साल खुश, दिमाग से खुश रहते हुए क्या मेंटेन कर सकते हो, इस चीज़ पर ध्यान दो, जबकि सिर्फ एक ऐप्स के पीछे, ऐप्स के पीछे भागने के पीछे ध्यान मत दो, क्योंकि तुमने फोटो में देख लिया, वो जिसकी तुमने फोटो देखी है वो भी लगभग सारे बॉडी बिल्डर, ज़्यादातर बॉडी बिल्डर पूरे साल ऐप्स नहीं मेंटेन करते, वो जो तुमने उसकी फोटो देखी है वो उसके कंपटीशन के आसपास की फोटो आएगी, जब वो कंपटीशन लड़ रहा था तब उसकी वो फोटो आएगी, और वो बहुत सारी फोटो खिंचा कर पूरे साल पोस्ट करते रहते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो तुमने वो फोटो देख ली होगी, मतलब वही फोटो तुम देखते रहे तो तुम्हें लगता रहे तो पूरे साल वैसे चल, वैसे चल, पूरे साल वो वैसे नहीं चलते, वो कुछ टाइम तक ही वो जो तुम्हें फोटो में देखने में उतनी बढ़िया लगती है ना, वो कुछ टाइम तक ही वैसी स्टेज पर रहते हैं, उसके अलावा वो नॉर्मल इंसान जैसे रहते हैं, यहाँ पर उनकी एब्स धुंधली होती है या फिर एब्स ढकी हुई होती है। तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था कि हेल्दी अनहेल्दी क्या है, 14-17%, 21-24% आदमी औरत के लिए, इससे थोड़ा ऊपर जाने लगोगे ठीक है, 1-2% तक कोई बात नहीं भी कह सकते हो तुम, ये कोई बात नहीं, चलो 1-2% ही तो ऊपर हुआ, पर ज़्यादा ऊपर जाने लगोगे तो फिर थोड़ा शरीर में चर्बी ज़्यादा होने लग जाएगी, और फिर और ज़्यादा ऊपर जाने लगोगे तो मोटापे की तरफ जाने लग जाओगे, ये रेंज ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हो, आपसे ये वीडियो मिलेगा, नमस्कार।